मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? नमस्कारम, प्रणाम, राधे राधे, सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? सब बढ़िया, सब बिल्कुल बढ़िया, चंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स। ओके गाइस, कल आपको पता है हमने नीट का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आपने कल अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्म किया था कल के सेशन में। ऑल माय स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, चाहे मैं कितना भी मुश्किल सवाल पूछ लूँ, बट मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो सारे आंसर सुपर करेक्ट देते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास ऑल्सो। आज हमने बहुत दो छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं, क्योंकि इन दो छोटे छोटे टॉपिक्स में भी ना बहुत जानदार चीज़ें समझाने के लिए। सो हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कैसे? बिरला सीमेंट कॉन्सेप्ट, राइट गाइस? यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट जो सबके सब है, उन सबको बहुत 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 गुड मॉर्निंग करना चाहती हूँ, राइट? हाय सनम, आई एम रियली गुड। हाय तेजिंदर, पुष्पेंद्र, सब आ चुके हैं। हाय गोविंद। तो आज का गाइस सेशन क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। दिस इज अ मेन टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, राइट? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस चैनल पे ये जो हमारा परिवार है गाइस, मैं बता दूँ इतने प्यारे प्यारे तुम लोग के लिए सरप्राइजेस है ना, जो हमने बना के रखे हुए हैं गाइस। सो आई वॉन्ट यू पीपल कि फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि 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 यहाँ पे गाइस बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई होती है, ऐसी पढ़ाई जो सिलेक्शन के साथ रैंक भी देता है। आई प्रॉमिस यू, आज का सेशन देखो खुद समझ जाओगे, राइट? यस, एब्सोल्युटली, यस यस यस। खुशी कह रही है मैम आप घूमी घूमी जा रहे हो, यस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, राइट? यस, नाउ 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 इट्स अ टाइम गाइस, नाउ इट्स अ टाइम, नाउ आई वॉन्ट 100% अटेंशन इन द क्लास। मुझे 100% अटेंशन चाहिए क्लास में। क्यों चाहिए? क्योंकि आज मैं जो बातें बताने वाली हूँ वो कहीं नहीं लिखी है, बट उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है? ऐसी ही बात बताऊंगी जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और आज आपको पता लगेगा कि यहाँ जो पढ़ाई होती है ना वो इस लेवल की होती है, नॉट दिस लेवल। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं पढ़ा रहे हम, इस लेवल को टच करने के लिए पढ़ा रही हूं मैं, बस ये याद रखना इस बात को। तो गाइस थाम लो मैम का हाथ और चल पड़ो सफर पे, ठीक है? चलो चलते हैं। यस एब्सोल्युटली, विद 100% फोकस आई वॉन्ट यू पीपल टू स्टार्ट विद द सेशन, राइट? यस, चलो। ओके, द वेरी फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से दो बार नीट में सवाल आ चुका है, तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। Which one of the following statements about moral law in humans is correct? It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote, but much more DNA. Yes, it has far less cytoplasm as well as DNA than an uncleaved zygote. It has more or less equal quantity. It has more cytoplasm and more DNA. Yes, guys, what is the answer? In the chat box. माना ये previous year question है, but you know, guys, what? कुछ बच्चे ना रट लेते हैं। रटना नहीं है, समझना है, भावनात्मक रूप से समझना है, राइट? यस, तो मुझे चैट बॉक्स में एब्सोल्युटली सुपर करेक्ट आंसर मिल गया गाइस। यस, उज्जवल, चार्मी, सुनील, रितेश, प्रांशु, एंड आई हैव रीना, सरफराज, युवराज, यस साक्षी, यस प्रेम, अरे प्रेम, आई लाइक दिस नेम सो मच, यस नेहा, सबने बिल्कुल बिंदास सही आंसर्स दिए चैट बॉक्स में, आई एम सुपर हैप्पी। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ गाइस। तो आंसर्स तो तुम लोगों ने वैसे ही फोड़ दिया, तो मुझे आंसर बताने की जरूरत तो नहीं है। आंसर इज इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जायगोट बट मच मोर डीएनए। सो गाइस अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट, यस कॉन्सेप्ट गाइस। तो यहाँ पे एक टर्म में लिख रही हूँ माइटोसिस, जैसे ही मैं ये पूरा टेबल बना लूंगी आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? फिर दूसरी चीज है क्लीवेज, दूसरा क्या है गाइस? क्लीवेज एंड माइटोसिस, यस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? देखो देखो व्हाट इज द डिफरेंस, ये है एक मदर सेल, क्या है गाइस? ये मदर सेल, ठीक है? मदर सेल में माइटोसिस होगा तो क्या बनेंगे गाइस? दो डॉटर सेल, क्या बनेंगे? डॉटर सेल, क्या बनेगा? डॉटर सेल, ठीक है? जितना साइटोप्लाज्म मदर सेल में था उतना ही सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म किस में होगा? डॉटर सेल में होगा।
यहाँ पे भी 2n था, यहाँ पे भी 2n है, तो इक्वल है, ठीक है। बट अब आ जाते क्लीवेज में, अब आते गाइस क्लीवेज पे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज मदर सेल 2n, ठीक है। अब इसमें क्लीवेज कर रहे हैं हम, तो इसमें जब डिविजन होगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो गाइस नाउ अब यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे ट्विस्ट है गाइस, यहीं पे ट्विस्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ ट्विस्ट गाइस, सी यहां पे जो साइटोप्लाज्म था वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेट्स से यहां पे साइटोप्लाज्म इज 2n, क्या है साइटोप्लाज्म 2n, बट इन केस ऑफ डॉटर सेल द साइटोप्लाज्म इज ओनली n। मतलब कि जितना मदर सेल में साइटोप्लाज्म था उसका आधा साइटोप्लाज्म होगा किसमें, डॉटर सेल में, किसमें, डॉटर सेल में, राइट, एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहां पे अब न्यूक्लियर कंटेंट देखो 2n, यहां पे भी 2n, तो न्यूक्लियर कंटेंट तो बड़ा बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ा। दिस टाइप ऑफ डिविजन व्हाट यू कॉल क्लीवेज, क्या बोलते हैं इस टाइप के डिविजन को, क्लीवेज, राइट, यस। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, जिस जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो अब आंसर बिल्कुल धासो तरीके से देगा चैट बॉक्स में, यस। द फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। नाउ न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्मिक, यहां पे ये रेशियो सेम होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यस यस गाइस, व्हाट इज योर आंसर हियर, न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होगा, सेम होगा या डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू मदर सेल, यस। द न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिटवीन मदर एंड डॉटर सेल इज सेम, इंक्रीज और डिक्रीज, यस यस यस, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, खुश कर दिया मैम को सुबह सुबह तुम लोगों ने, इट विल बी सेम, इट विल बी सेम। देख लो क्या धासु आंसर आ रहे तुम लोग से, धासु जवाब तुम दे रहे हो, मैंने तुम बताया भी नहीं इस टॉपिक को अभी तक, यस। नाउ 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 यही सेम चीज अगर मैं क्लीवेज में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इन द क्लीवेज, नाउ टेल मी न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, यस गाइस। देखो सोचो, न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, न्यूक्लियर कंटेंट यहां बड़ा बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहां नहीं बढ़ा, तो न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज, यस 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 यस। देखो अब चैट बॉक्स में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे डिक्रीज लिख रहे हैं, कुछ बच्चे इंक्रीज लिख रहे हैं, नाउ द आंसर इज इंक्रीजेस, द आंसर इज इंक्रीजेस, क्यों 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 क्यों, नाउ आई विल टेल यू गाइस। देखो न्यूक्लियर कंटेंट तो बड़ा As compared to mother cell and daughter cell, but cytoplasmic content नहीं बढ़ा, तो उतने ही cytoplasmic content में आपने nuclear content को double किया है, ठीक है, तो इसलिए nuclear is to cytoplasmic ratio यहाँ पे increase होगा, yes, because nuclear content is increasing, but the cytoplasmic content is decreasing. That's why the answer is increases. Right? Guys, सबको समझ में आया? Because ये question आने वाला है. Yes, absolutely it should be clear. Now next question to you people. Growth phase. Growth phase. Yes, guys. Growth phase किस में present है? Okay, growth phase is present in mitosis or absent. Yes, write in the chat box. ग्रोथ फेज माइटोसिस की प्रोसेस में प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, यस यस गाइस, ये देखो पी और ए में जवाब देना है, आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है चैट बॉक्स में। काजल ने कहा प्रेजेंट, वेरी गुड सत्यम, यस मेधा, यस एवरीवन, वेर इज खुशी, खुशी के जवाब नहीं आ रहे हैं, यस यस एब्सोल्युटली, यूनिवर्स इज हियर भी है, एब्सोल्युटली सबने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही सोच लगाई है, इस साइज से इस साइज तक वापस जाने के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ फेज चाहिए, क्या चाहिए गाइस, ग्रोथ फेज चाहिए, तो द आंसर वुड बी प्रेजेंट, यहां पे प्रेजेंट होगा, तो यहां पे क्या होगा क्लीवेज में, तो व्हाट विल हैपन इन द क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होगा गाइस, यस 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 सर मांटेल, क्लीवेज में क्या होगा गाइज, इट विल बी एबसेंट,
एब्सेंट, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा ही नहीं, उसे टाइम ही नहीं दिया आपने बढ़ने के लिए, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा उसमें? एब्सेंट, एब्सेंट, बिल्कुल सही। देख रहे हो कितनी नई नई चीजें सीख के जा रहे हो आसू, वेरी गुड, वेरी गुड एवरी वन, सुपर सुपर डुपर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके नाउ नेक्स्ट पैरामीटर थर्ड, साइज ऑफ डॉटर सेल। यस, साइज ऑफ डॉटर सेल विद रिस्पेक्ट टू मदर सेल, सेम, डिक्रीज और इंक्रीज? यस, माइटोसिस में साइज ऑफ डॉटर सेल मदर सेल का जैसा सेम होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? यस, नाउ एवरीवन अगेन गिविंग मी सुपर करेक्ट आंसर्स, आंसर इज सेम, आंसर इज सेम, absolutely. Now coming to here, third point, what happens in the cleavage, guys? Same or absent? Same, increases or decreases? Yes, yes, बताइए, decreases. देखो प्रतीक ने कितना अच्छा आंसर दिया, प्रतीक वाह वाह वाह, प्रतीक आई एम रियली हैप्पी विद यू, चेष्टा भी है, बिल्कुल सही, द साइज डिक्रीजेस, ठीक है? सो बच्चा इसका तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूं, बहुत जबरदस्त चीज मैं बताने वाली हूं, तो इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्क्रीनशॉट लो गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएगी सीधा, ये वही सब चीजें मैं पढ़ा रही हूं जो सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराएगी, और कुछ नहीं करना हमें। यस, नोटेड, एब्सोल्युटली। चलो नेक्स्ट, नाउ गाइज आई वॉन्ट फुल अटेंशन इन द क्लास, ठीक है? क्योंकि अब मैं आपको एक चीज पढ़ा रही हूं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर जिस बच्चे ने यह समझ लिया तो आज के बाद उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है गाइज इन द चैट बॉक्स? यस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है इन द चैट बॉक्स? व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द चैट बॉक्स? चेताली, यस, एब्सोल्युटली, जायगोट, जायगोट, ठीक है? अब जायगोट बनने के 30 घंटे बाद पहला क्लीवेज डिवीजन होता है। क्या होता है? पहला क्लीवेज डिवीजन, यानी कि यही सेल दो हिस्से में बढ़ जाएगा। फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज कितने घंटे बाद फर्टिलाइजेशन के? 30 आवर्स बाद, 30 घंटे बाद, ठीक है? अभी एक से कितने सेल बने? दो सेल, यहां पे 2n, यहां पे 2n, तो गाइज ये कितना सेल स्टेज हो गया? 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, ठीक है? यस, नाउ 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 आफ्टर 2 सेल स्टेज अब बारी है नेक्स्ट क्लीवेज की, ठीक है? नाउ द सेकेंड क्लीवेज जो होता है फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे बाद, या फर्स्ट क्लीवेज के 30 घंटे बाद, अब आएगा 3 सेल स्टेज। यस, ये बना दो 3, दिस इज 1 2 3, सो दिस इज 3 सेल स्टेज। अब इसके बाद थर्ड क्लीवेज अब बनेगा कौन सा? 4 सेल स्टेज, ठीक है? यस, एब्सोल्युटली, ठीक है? अब बनेगा मोरूला। नाउ गाइस कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन। यस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन मैं इससे तुमसे पूछने वाली हूं। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे। नाउ आई वॉन्ट एवरी वन टू बी सुपर एक्टिव, जिसने आंसर दिया उसका कॉन्सेप्ट मक्खन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एवरी वन सुपर अटेंटिव। साइज ऑफ जायगोट इक्वल्स टू साइज ऑफ मोरूला, यस और नो? आंसर्स इन द चैट बॉक्स। यस, सा, यस, आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, आंसर इन द चैट बॉक्स। द साइज ऑफ जायगोट इक्वल्स टू साइज ऑफ मोरूला, यस और नो? फटाफट से। ओके, नाउ आई एम गेटिंग, बाढ़ आ चुके मेरे चैट बॉक्स में इस वक्त आंसर्स की, क्या बात है? सुपर से भी ऊपर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा लोग। आई एम एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। यहां से लेके यहां तक चली है क्लीवेज,
तो साइज बड़ा नहीं होगा स्ट्रक्चर का. तो यानी द साइज ऑफ जायगोट इज इक्वल्स टू मोरूला बिकॉज ऑफ द डिविजन कॉल्ड क्लीवेज. बिकॉज ऑफ द डिविजन कॉल्ड क्लीवेज, राइट? यस, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. और दे दो क्वेश्चन, तुम बताओ. और क्वेश्चन चाहिए? जैसे तुम बोलोगे वैसे ही चलेगा. यस, और क्वेश्चन चाहिए? यू वॉन्ट मोर क्वेश्चन? यस यस यस. चलो ठीक है. अब देखो, बच्चों ने बोल दिया तो क्वेश्चन तो देना पड़ेगा. ठीक है, बिल्कुल सही. बच्चे बिल्कुल जोश में है, तो मैम भी जोश में आ गई है क्वेश्चन को लेके. यस, ओके. अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर कंटेंट, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर कंटेंट इक्वल इन जायगोट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर कंटेंट इन मोरूला. नाउ गिव मी येस और नो आंसर्स इन द चैट बॉक्स. आंसर्स इन द चैट बॉक्स. नाउ थिंक ओवर दिस. सोचो, यहां 2n है, वहां तक कितना हो गया होगा? आंसर क्या है? आंसर क्या है? येस, क्या न्यूक्लियर कंटेंट नहीं बढ़ा? क्या न्यूक्लियर कंटेंट नहीं बड़ा? बड़ा. तो आंसर क्या होगा? ये सब तो बिल्कुल आंसर दे ही रहे हैं चैट बॉक्स में. एब्सोल्युटली अब झुकला तो सकते नहीं है, सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बच्चा लोग. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. एब्सोल्युटली टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से. मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ इस चैप्टर को याद करने की. जितने मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट्स बना रही हूँ, एक बार बस घर जाके बना लो. क्या तुम्हारे धमाकेदार माइंड मैप्स तैयार होंगे? तुम खुद प्रिपेयर करने वाले हो अपने माइंड मैप्स, मुझे देने की भी जरूरत नहीं है. खुद के नोट्स है तुम्हारे. यस, डन. यस यस यस, डन. स्क्रीनशॉट. मोर क्वेश्चन. और क्वेश्चन चाहिए? यस बच्चा लोग, और क्वेश्चंस चाहिए? यू वांट मोर क्वेश्चंस? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, वरना फिर आगे वाले टॉपिक पे चले. यू वांट मोर क्वेश्चन? और सवाल चाहिए? मोर क्वेश्चन? चलो, बच्चों ने लिखा है yes. चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्लास में तो वही चलता है जो आप लोग बोलते हैं. सो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ टू सेल स्टेज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ फोर सेल स्टेज. अब बताओ जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया मैंने क्वेश्चन, बट मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पे कि वो इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे. यस, नाउ व्हाट डू यू से? यस और नो? यस, दिस इज अ गब्बर वाला. बट अगर कॉन्सेप्ट तुमने बहुत अच्छे से समझा है तो तुम लोग सही दोगे. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट टू सेल स्टेज और फोर सेल स्टेज का सेम होगा या नहीं होगा? देखो, क्लीवेज हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो बढ़ने वाला नहीं है. तो जितना जायगोट में है साइटोप्लाज्म, उतना ही मोरूला में भी होगा. यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. द आंसर इज यस, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कभी नहीं बढ़ता है. जितना जायगोट में होता है उतना ही बाकी मोरूला तक चलता है. ये बात ध्यान में रखनी है गाइस, ध्यान में रखनी है. ठीक है, कोई नहीं, आज गलती कर लो बट आज के बाद तो नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि जंग किस दिन जीतनी है? नीट के पेपर वाले दिन जंग जीतनी है ना तुम्हें. आज जंग में हार गए कोई नहीं, बट उस दिन जरूर जीतनी है. इसी होप के साथ आगे बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, राइट? यस, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. बहुत टाइम हमने इस क्वेश्चन को दे दिया है. यस गाइस, अब और ज्यादा टाइम नहीं देते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ओके. सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा Ultimately lead to parturition, which requires a release of what? Yes, yes, guys. What is your answer? What is your answer? Yes, yes, guys. What is your answer? What is your answer? Answer is C. C. Fetal pituitary से oxytocin निकाल के क्या करोगे? Fetal से oxytocin निकाल के क्या करोगे भाई? कुछ नहीं होने वाला उसके oxytocin से. क्या करोगे? देखो, अब आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है चैट बॉक्स में. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली गाइस, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटर्नल पिट्यूटरी. ठीक है गाइस, आर यू रेडी टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल्स?
क्या आप तैयार हैं इस टॉपिक की गहराइयों तक जाने के लिए, इसे प्यार से समझने के लिए? राइट, चलो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। यस, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड टॉपिक करते हैं और आज के बाद तुम धोने वाले हो इसके सारे सवाल्स को। यस, चलो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। यस 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 यो, चलो बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक ऑन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पे आ चुके हैं हम टॉपिक पे, ठीक है। नाउ गाइस, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी को दिमाग में रखो, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है जो पार्चुरेशन है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। गाइस क्या है ये? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब वापस शब्द को तोड़ो और मतलब निकालो। न्यूरो से मतलब है न्यूरॉन्स, यानी रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स, ठीक है। यस विनोद, नाउ रिफ्लेक्स कौन सा? यहां पर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इस हिस्से को बोलते हैं न्यूरो मैकेनिज्म, ठीक है। अब एंडोक्राइन पे चलते हैं। एंडोक्राइन, यस, एंडोक्राइन माने हॉर्मोन्स। हॉर्मोन कौन सा इन्वॉल्व्ड है गाइस यहाँ पे? हॉर्मोन कौन सा इन्वॉल्व्ड है? यस, बताओ जल्दी से, कौन सा इन्वॉल्व्ड है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो जब मिल जाएगा रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन, तब बनेगा आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सबसे पहले तो देखो शब्द की गहराई पे पहुंचे हम। अभी तो हम शब्द को समझ रहे हैं, अभी तक तो हम प्रोसेस में चले भी नहीं है। शब्द ही इतना प्यारा है जो एनसीईआरटी बताना चाह रही है तुम्हें। सो गाइस टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस, क्विक टेक द स्क्रीनशॉट। यस, एब्सोल्युटली लिया सबने स्क्रीनशॉट। चलो अब शुभम, थैंक यू सो मच। कल शुभम ने मेरे लिए बहुत प्यारा सा नोट लिखा था एंड आई एम रियली हैप्पी शुभम फॉर दैट। थैंक यू बच्चा। चलो नाउ गाइस, नाउ वेलकम टू द मैकेनिज्म। यस, कमिंग टू द मैकेनिज्म गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन गप्पा। यस, आपको पता ही मुझे गोल गप्पे पसंद है, इसलिए मैं गप्पे भी बहुत लगाती हूँ। तो आप गप्पे कम लगाएंगे, पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। चलो भाई पढ़ते अब। नाउ सुपर अटेंटिव। पार्चुरेशन का सिग्नल दो जगह से आता है। यस, पार्चुरेशन का सिग्नल दो जगह से आता है, ठीक है। द सिग्नल कम्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड, और कहां से आता है गाइस इन द चैट बॉक्स, प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा, इन दो जगह से आता है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, ठीक है। अग्री कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल अग्री कर रहे हैं। इन दो जगह से आता है। अब कैसे आता है आज मैं तुम्हें बताती हूँ। फुली डेवलप्ड फीटस, अब देखो ये कैसे सिग्नल देता है। अच्छा एक बात बताओ, मदर का जो वूम्ब है, द वूम्ब ऑफ द मदर हैज अ लिमिटेड स्पेस, ठीक है, उसमें जगह लिमिटेड है गाइस। अभी बच्चे का साइज बढ़ रहा है, वूम्ब का साइज क्या हो गया है? कम पड़ रहा है उसके लिए। तो बच्चा कैसा फील करेगा? सफोकेटेड फील करेगा। बच्चा जब सफोकेटेड फील करेगा वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा बच्चा, वो होगा स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन मैंने तुम्हें 100 बार बताया कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। यही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो जब स्पेस लिमिटेड होता है, व्हेन द स्पेस इज लिमिटेड, ठीक है, बच्चा फील सफोकेटेड। जब बच्चा सफोकेटेड फील करता है तो वो आ जाता है स्ट्रेस में। किस में आता है? स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में आने के बाद स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम है? कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल जाएगा किस में? मदर ब्लड में, ठीक है। नाउ दिस कॉर्टिसोल एक्ट एज अ सिग्नल फ्रॉम बच्चा, सिग्नल फ्रॉम बच्चा। सो फुल्ली डेवलप फीटस से जो सिग्नल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल आ रहा है, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन, राइट। इतना समझ में आया? आया इतना समझ में? ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, यानी कि प्लेसेंटा कैसे सिग्नल देता है, ठीक है। यस, ओके। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ पहले, तभी बताऊंगी। यस, पहले क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है तुमसे, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन।
इन द चैट बॉक्स। प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, चैट बॉक्स। ओके चेताली, हाँ चेताली, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 5G इंटरनेट यूज कर रही है, सबसे पहले आंसर दे देती है वो। सुपर बच्चा लोग, सुपर सुपर सुपर। यानी कि अगर मुझे प्रेगनेंसी मेंटेन करानी है सो आई नीड अ हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। अभी पार्चुरेशन का समय है तो यानी कि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन को करेंगे कम, एस्ट्रोजन को करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो यानी अगर हम कंपेयर करें प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भ अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। ठीक है, यानी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक है एस्ट्रोजन से जब फीमेल प्रेग्नेंट है यानी गर्भ अवस्था में है। ठीक है, यस विनोद, ठीक है। अब जब पार्चुरेशन है मतलब जब हमें प्रेगनेंसी को खत्म करना है, अब स्टोरी का जब क्लाइमैक्स आने वाला है तो उस टाइम पे गाइस आपको क्या करना है, प्रोजेस्टेरोन कम करना है। क्या कम करना है, प्रोजेस्टेरोन, और उसी टाइम पे एस्ट्रोजन बढ़ाना है। तो जब ये सिग्नल आता है तो उस सिग्नल को कहते हैं प्लेसेंटा का सिग्नल। प्लेसेंटा अपने सिग्नल को इस तरीके से भेजता है। ठीक है, यस गाइस, यस यस यस, अगर प्लेसेंटा ने सिग्नल भेजना है तो वो इस तरीके से बताएगा अपनी बात। ठीक है, अपनी बात वो पेश करेगा इस तरीके से। ठीक है, नाउ नाउ नाउ, अब मेरा क्वेश्चन ये है, यस मेरा क्वेश्चन ये है गाइस कि एस्ट्रोजन की मात्रा क्यों बढ़ा रहे हैं, व्हाई आर वी इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन। क्यों ऐसी जरूरत है, क्या ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि हम एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ा रहे हैं, व्हाई आर वी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। राइट नाउ, फर्स्ट थिंग, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैप जंक्शन इन मायोमीट्रियम। तो जब गैप जंक्शन मायोमीट्रियम में होंगे तो इसका फायदा क्या होगा, मैं बताती हूं इसका फायदा। देखो ध्यान से, सब मेरी तरफ देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यस, क्या फायदा है गैप जंक्शन का। ये दो, लेट्स टेक अ बॉटल। ये देखो, ये मेरा एक मसल सेल है, ये मेरा दूसरा मसल सेल है, दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ गैप जंक्शन। तो बॉटल क्या गाइस, गैप जंक्शन। ये हाथ है मेरा मसल, ये हाथ है मेरा मसल, किसकी मसल, यूट्रस की मसल। ठीक है, यस। तो जब एक सिग्नल आएगा, अगर इस मसल के पास सिग्नल आएगा ऑक्सीटोसिन का, तो कॉन्ट्रैक्शन तो सब में होगी एक साथ। क्यों होगी, क्योंकि गैप जंक्शन है हर मसल सेल के बीच में। तो ऑक्सीटोसिन आया, ठीक है, उसने सारी मसल्स का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कराया, हुआ कॉन्ट्रैक्शन, तो फीटस विल गो बिलो। राइट, सो दिस इज हाउ पार्चुरेशन अकर्स। राइट, यस यस यस। So guys, this is what you call signals from placenta and fully developed fetus. अब जब ये दोनों सिग्नल तैयार हो चुके हैं तो ये दोनों सिग्नल जाएंगे कहां पे, मेटर्नल पिट्यूटरी। कहां जाएंगे, मेटर्नल पिट्यूटरी के पास। जैसी मेटर्नल पिट्यूटरी के पास जाएंगे तो अब धनाधन बनेगा ऑक्सीटोसिन, अब बनेगा धनाधन ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन कहां एक्ट करेगा, मायोमीट्रियम। कहां काम करेगा, मायोमीट्रियम। तब जाके होगा पार्चुरेशन। आई बात समझ में, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ एंटायर स्लाइड। यस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ एंटायर स्लाइड। मैम देखो पूरी हट चुकी है, तुम्हारे लिए खुला छोड़ दिया है बोर्ड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस 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 एब्सोल्युटली, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत जरूरी है। इतना जबरदस्त चीज यार मैंने तुम्हें पढ़ाई है, दिस विल हेल्प टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल गहराई से पढ़ो, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद तुम्हें यही सब पढ़ना है। ठीक है, यस, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम। ओके, इन ह्यूमन फीमेल
द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, गेट्स इम्प्लांटेड इन टू यूट्रस 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, gets nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation, gets implanted in endometrium by the trophoblast cells. Yes guys, what is your answer? Yes guys, what is your answer? Okay, so answer D aa raha hai. Maximum students kya de rahe hain? Yes, absolutely. Maximum students kya answer de rahe hain? D de rahe answer. Absolutely good. Yes, बहुत सही गाइस, पूरा पढ़ना है आज ये टॉपिक अगर आप चाहते हो मास्टरी करना इस टॉपिक पे फॉर नीट एग्जामिनेशन. यस गाइस, बिल्कुल सही जानदार, बिल्कुल. देखो आंसर गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल. तो आज मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताती हूँ. Yes, let me tell you the structure of blastocyst. That will make your understanding very easy. So this is the blastocyst. The outer layer is called as trophoblast cells. क्या कहते हैं guys इसको? Trophoblast cells. क्या है guys ये? Trophoblast cells. ठीक है? और next, यहाँ पे कुछ दूसरे cells होते हैं जिन्हें बोलते हैं inner cell mass. क्या कहते हैं guys इन्हें? Inner cell mass. ठीक है? तो अगर इसकी labeling करें, so this is trophoblast. ठीक है? ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर है जो एम्ब्रियो को नहीं बनाती है. फिर से बता रही हूं, ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर है जो एम्ब्रियो को नहीं बनाती है. ट्रोफोब्लास्ट बनाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर. क्या बनाती है गाइस? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स वो लेयर्स है जैसे एमनियन, जैसे कोरियन, बहुत जरूरी. ठीक है, ये जो सेल्स है यहाँ पे सिक्रीट करते हैं फ्लूइड इनटू द कैविटी. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोसील. ठीक है, एंड देयर यू हैव इनर सेल मास ICM जो बनाते हैं एम्ब्रियो. क्या बनाते हैं गाइस? ये एम्ब्रियो. ठीक है, एंड यहां पे कुछ सेल्स हैं. देखो बड़ा सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. अगर आपने एक फोटो को एक पेज पे चिपकाना है, क्या यूज करते हो तुम लोग? यस, अगर एक फोटो को पेज पे पेस्ट करना है, क्या यूज करते हो? व्हाट डू यू यूज? यस, क्या यूज करते हो गाइस? अगर एक फोटो को एक पेज पे पेस्ट करना है, क्या यूज करते हो? गम. यस मुकेश, गम. यस ग्लू, बिल्कुल सही है. तो अब ये है ब्लास्टोसिस्ट, ये है एंडोमेट्रियम, इन दोनों को पेस्ट करना है, क्या यूज करना है? गम. क्या यूज करना है? गम. तो गम वाले सेल्स का नाम है सेल्स ऑफ रॉबर. गम वाले सेल्स का नाम है सेल्स ऑफ रॉबर. इन्हें स्टिकी सेल्स भी कहते हैं. यस, तो यही स्टिकी सेल्स है जो किसमें हेल्प करते हैं? इम्प्लांटेशन में. किसमें हेल्प करते हैं? इम्प्लांटेशन में. सो इजी गाइस, सो सुपर इजी इज दिस. बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, हर चीज मक्खन क्लियर है, हर चीज सुपर सिंपल है गाइस. यस एब्सोल्युटली. फेविकॉल वाले सेल्स का नाम क्या है? सेल्स ऑफ रॉबर. फेविकॉल का नाम क्या है यहाँ पे? सेल्स ऑफ रॉबर. एब्सोल्युटली. चलो Take the screenshot. Let's move on to the next question. Yes guys, take the screenshot. Okay, in human adult females, oxytocin. देखो अब तो तुम ये आंसर दोगे यार. गाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. यस अब तो तुम लोगे यार, अब तो आंसर आने चाहिए. यस, हाई डॉक्टर राजीव सिंह. रचना, हाई रचना. यस Yes guys, give me the answer of this question. 30 seconds. फटाफट से guys. जो बच्चे नए सेशन में, welcome to everyone into the session of Garima Ma'am's class. And here in this session, you will get lot of new things to learn. Right guys? Okay, answer अब भर भर के आ चुके हैं. Causes strong uterine contraction during parturition. क्या बात है? Rock कर दिया मेरे बच्चों ने, rock कर दिया. अयो हनी सिंह, क्या बात है. I'm really happy guys. जब तुम लोग ऐसे बड़े आंसर देते हो तो खुश हो जाती हूँ मैं. Yes, absolutely. Causes strong uterine contraction during parturition. Namaskaram. Yes.
चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा? गाइस आंसर, यस गाइस आंसर, आंसर आंसर आंसर, ऐसा कौन सा हार्मोन है मिसबा जो नहीं सिक्रीट होता है फ्रॉम ह्यूमन प्लेसेंटा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर इज प्रोलैक्टिन, द आंसर इज बी ऑप्शन, प्रोलैक्टिन। फिर कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है फिर प्रोलैक्टिन? लिखो चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में, कहां से प्रोड्यूस होता है फिर प्रोलैक्टिन, कहां से आता है प्रोलैक्टिन, बताओ जल्दी मैम को। यस यस यस, मेमोरी ग्लैंड से आता है, ये एक लगेगा, ये एक लगेगा, मेमोरी ग्लैंड से आता है, एडीनो हाइपोफाइसिस से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, जिसका दूसरा नाम है एडीनो हाइपोफाइसिस। और इसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन, काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है। और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, इन द चैट बॉक्स, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है इन द चैट बॉक्स? यस, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है इन द चैट बॉक्स? ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही रूपाली, द आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ये देखो, ये दो जो क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ ना यहाँ पे, ये नीट के सवाल है, मुझे याद करोगे तुम पेपर में, मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हें याद करोगे, मुझे ऐसे ऐसे भटकोगे तुम्हारे दिमाग में मैं उस दिन। यस yes, बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली। चलो आज तुम्हें कहानी बताती हूँ मैं HCG की, ठीक है, आर यू रेडी फॉर द स्टोरी गाइज? क्योंकि ये ना हाई लेवल क्वेश्चन है, बट मुझे पता है मेरे बच्चों का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इतना अच्छा है, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ। यस, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, राइट? यस यस यस, एब्सोल्यूटली। ओके, HCG, नाउ व्हाट इज HCG? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। हैव यू हर्ड ऑफ दिस इन द न्यूज, इन एडवर्टीजमेंट? क्या आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है एडवर्टीजमेंट्स में? क्या आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है एडवर्टीजमेंट्स में? प्रेगा न्यूज, यस। अब मैं बताती हूँ काम कैसे करती है प्रेगा न्यूज। एवरीवन, ये है प्रेगा न्यूज की किट, यहाँ पे है सैंपल, सैंपल में जाएगा फीमेल यूरिन, सैंपल में क्या जाएगा, फीमेल यूरिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट लगा होता है, इस प्लेट के ऊपर होती है एंटीबॉडीज, क्या होती है एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज किसकी है, HCG की, किसकी है HCG की, ठीक है। तो अगर फीमेल के यूरिन में HCG है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद बनता है, तो वो HCG जुड़ जाएगा एंटीबॉडी से, जैसे ही एंटीबॉडी से जुड़ेगा तो दो लाल रंग की लाइनें आएंगी, इससे पता लग जाएगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, यस, ठीक है। और इस टेस्ट को ग्रेविंडेक्स टेस्ट भी कहते हैं, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट, एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब जो मैं इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी ना, वो बेटा धमाकेदार क्वेश्चन होगा, दैट्स अ गब्बर क्वेश्चन ऑफ द मैम क्लास। यस, गब्बर सवाल देंगी मैं जो बहुत धमाकेदार होगा। यस, डन, लिया स्क्रीनशॉट, सबने लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गब्बर क्वेश्चन फ्रॉम जीजी मैम क्लास, जीजी मैम क्लास का गब्बर सवाल। यस, ओके क्वेश्चन, इफ फीमेल wants to confirm her ovulation, then the kit must be based on first option HCG, second option progesterone, third option estrogen, fourth option LH. Now give me the answers in the chat box. Yes, give me the answer in the chat box. Let me see who all can give me the right answer. अभी तक एक भी ठीक जवाब नहीं आया guys, एक भी ठीक जवाब नहीं आया है। क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ है सारा दिमाग, बस इधर उधर भटकते रहते हो तुम लोग, टिक के पढ़ो अच्छे से। यस यस गाइस,
एक भी सही आंसर नहीं है, नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. अब आ रहे कुछ कुछ आंसर, यस. अब मुझे देखना पड़ेगा, खुशी ने सही आंसर दिया है एब्सोल्युटली, और बहुत तेज चैट बॉक्स चल रहा है तो मैं बाकी बच्चों के नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ. बहुत ही तेज चल रहा है बच्चा, सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है. यस गाइस, देखो अब कुछ बच्चों ने ना दिमाग लगाना शुरू किया है. मैं सबसे पहले बताती हूँ हिंट ऑफ द क्वेश्चन. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ठहर जाओ, मत भागो. यहाँ पे देखो सबसे बड़ा हिंट था ओव्यूलेशन, यानी अभी ओव्यूलेशन है. ओव्यूलेशन 14th डे होती है, जिस दिन सबसे ज्यादा हार्मोन कोई होता है तो वो होता है LH. तो जितने भी ओव्यूलेशन किट्स है मार्केट में, वो यूरिन में कौन सा हार्मोन डिटेक्ट कर रही है? LH. कौन सा हार्मोन डिटेक्ट कर रही है? LH डिटेक्ट कर रही है गाइस. नाउ दिस वाज अ मास्टर क्वेश्चन ऑफ गरिमा मैम क्लास, जो सिर्फ यही मिलेगा, जैसे भी यही मिलेगा. ठीक है, तो इसी बात पे गाइस सब्सक्राइब कर दो हमारा ये अमेजिंग चैनल. यस, अब भी सब्सक्राइब कर दो हमारा अमेजिंग चैनल, क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा. यस हशीदुल, यस गाइस, यस ओके. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, यस टेक द स्क्रीनशॉट. ओके शिवानी, गुड बच्चा, गुड गुड गुड. बेटा मैंने कहा था ना बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं सारे के सारे चीजें चैट बॉक्स में, इसलिए मैं नहीं बता पाई, सॉरी. नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव फ्रॉम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस गाइस. अब तो मुझे सही आंसर आना चाहिए, अब तो मेरा हक बनता है गाइस, अब तो मेरा हक बनता है, अब तो तुम्हें देना पड़ेगा सही आंसर, हक बनता है मेरा. यस, अब आ रहे सही आंसर. आई एम रियली हैप्पी, रियली हैप्पी. सो यो यो हनी सिंह, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, देयर इज नॉट अ सिंगल रॉन्ग थिंग इन द चैट बॉक्स. लव यू गाइज, लव यू गाइज. द आंसर इज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स. अब तो ये भी हक बनता है भाई, मैम का हक बनता है. बॉस टेल मी गाइस, हक बनता है, आंसर दो फटाफट से. आंसर आंसर आंसर, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स, ये सही बात है? नो 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 नो, ये सही बात है? आई डोंट नो. There is less consumption of oxygen, the division is more like meiosis. अब तो आंसर बनता है, ये भी मेरा हक बनता है, ये भी मेरा हक बनता है. दो दो सही जवाब. अब पिटाई पड़ेगी आधे बच्चों को. हाँ जी, ये अनचेंज रहता है, ये अनचेंज रहता है. हाँ जी अनचेंज रहता है. स्क्रीनशॉट देखो तो क्या पढ़ाया था तुम्हें. आंसर इज बी, द साइज रिमेन्स अनचेंज्ड. यस यस यस, साइज डज नॉट इंक्रीज, एब्सोल्युटली. ये था आंसर. ये देख रहे हो तुम, जल्दबाजी में गलत मत दिया करो जवाब, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी. यस ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ह्यूमन एग्स आर ए लेसिथन, माइक्रो लेसिथन, मीजो लेसिथन, मैक्रो लेसिथन. तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूं. आज तुम्हें बहुत उमदा ट्रिक मिलेगी फिर से. रेडी फॉर द ट्रिक, रेडी फॉर द ट्रिक, रेडी फॉर द ट्रिक, यस रेडी फॉर द ट्रिक. चलो ट्रिक करते हैं, बड़ी अमेजिंग सी ट्रिक है. देखो पढ़ते वक्त ना थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, वरना ऐसे बोर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है. जब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी ना, मैं बहुत मस्ती करती थी. यस, तो तुम्हें भी वही करना है. चलो ट्रिक फॉर द डे, ट्रिक, वही ट्रिक का नाम है, शब्द को तोड़ो और मतलब निकाल लो. ठीक है, लेसिथल का मतलब है योग, लेसिथल का मतलब है योग. ठीक है, और योक बनने की प्रोसेस को कहते हैं विटेलोजेनेसिस. क्या कहते हैं? योक की बनने की प्रोसेस को कहते हैं विटेलोजेनेसिस. ठीक है, सबने अंडा तो देखा होगा या तो खाया होगा, मुझे इतनी उम्मीद है. चलो आओ शब्द को तोड़ते हैं. ए लेसिथल, ए का मतलब एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, यानी कि इसमें तो योक है ही नहीं भाई, इसमें तो योक है ही नहीं. ठीक है, माइक्रो मतलब कि इसमें योग बेहद कम मात्रा में है. ठीक है, मीजो यानी कि इसमें योग है बट सही सही मात्रा में है. ठीक है, यस मैक्रो, इसमें योग सबसे ज्यादा अमाउंट में है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट द वर्ड एंड दिस इज अ ट्रिक फॉर द डे. यस दिस इज अ ट्रिक फॉर द डे. अब गाइस अब बताओ ह्यूमन एग्स कैसे होते हैं. आंसर इज ए, ए लेसिथल. हमारे एग्स में विटेलोजेनेसिस नहीं होती है. कुछ बुक्स में मीजो लेसिथल
माइक्रोलेसिथर भी आंसर होता है, मेरे को पता है कुछ ऐसी है बुक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली, मत जाओ मत देखो उनको। एग इज कंप्लीटली ए लेसिथल इन ह्यूमंस, बस यही याद रखना है तुम्हें, गलत बुक्स मत पढ़ा करो, ठीक है? यस यस यस। सो गाइज आई होप यू लाइक द ट्रिक, डिड यू एंजॉय द ट्रिक? आज के बाद मुझे लगता है तुम्हें पक्का याद हो जाएगा लेसिथल है क्या चीज, लेसिथल है क्या चीज, ठीक है? यस yes. चलो ओके गाइज, तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड गाइज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये परिवार है जो बहुत मेहनत से बना रहे हैं हम एवरी डे, हम सुबह उठ के रात में, वी आर ऑलवेज एक्टिव जस्ट फॉर यू पीपल। आपको बस एक चीज़ करनी है गाइज, आपने सब्सक्राइब बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, बस इतना छोटी सी चीज़ मैं आपसे मांग रही हूँ, तो इतना तो बनता है ना बॉस, इतना तो मिलना चाहिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे अमेजिंग चैनल को, ठीक है?